थे हो सला तो अपने हर चीज तो पहला खाना करने की बनेगी या तो मटन पाउंड है मैं ऑलराइट दोस्तों, तो काफ़ी हद तक मेरा घर डिक्लटर हो चुका है, पर ये गेस्ट रूम की क्लॉजेट मुझे अभी करनी है एंड लिनन क्लॉजेट करनी है, पर ऐसा दिख रहा है हिम्मत का रूम प्यारा एंड क्लीन हो चुका है, हस्बैंड की क्लॉजेट काफ़ी हल्की एंड साफ़ हो चुकी है, मेरी क्लॉजेट भी काफ़ी खाली हो चुकी है, पर अभी मैं इसे और डिक्लटर करूँगी और उसके बाद हमारा चमचमाता हुआ वॉशरूम। सो दिवाली रेडी हो गया है हमारा घर, साफ़ सुथरा मज़ेदार। और उसके बाद कल मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि आपने काफ़ी दिन हो गए कि अपने पौधे नहीं दिखाए हैं, प्लांट्स, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि प्लांट्स भी डिक्लटर हो रहे हैं। मेरे इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स ये इंसान बेच रहा है, दिस गाय। सो यार इतने प्यारे प्यारे मेरे पले हुए बेबीज पति ने सारे पता नहीं कितने मार्केट प्लेस में लगा दिए हैं और धीरे धीरे एक एक करके सारे मुझे छोड़ के जा रहे हैं। एक फ़नी बात बताऊँगी, जब मेरा सबसे पहला प्लांट किसी ने खरीदा ना गाइस, मैं रो पाई। अगर आप प्लांट मदर हैं तो आप समझ सकेंगे कि आप प्लांट्स के साथ कितना अटैच हो जाते हैं। सो अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगी, अब प्लांट्स बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, इसमें तो मुझे लगता है काफ़ी बचे हुए हैं, पर इतने सोने क्यूट हेल्दी प्लांट्स लोगों के घर में जा रहे हैं दोस्तों। आई एम वेरी सैड, मे बी दे गोना फाइंड बेटर होम। अच्छा उन्होंने फोटो पाने में रोन दिया, मैं तो बात को उन्होंने लव करूंगा, यू नेवर नो। तेरे लिए ना कर लव सॉरी बोल दे, सॉरी सॉरी। सो ये 3 बैग निकले हैं नए डोनेशन के, एक में बैग्स हैं, एक में शूज़ हैं, एक में कपड़े हैं मिक्स मेरे और हिम्मत के, और आगे और पता नहीं कितने बैग निकलेंगे। 3 मैंने 4 एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम किए थे, 3 बैग एंड एक बॉक्स, सो 10 ये 6 हो गए। हम देखते हैं एंड तक कितना होता है डोनेशन। ओके सो हम लोग पहुंच गए पटाखे की शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी सी पटाखे ले रहे हैं अपनी तरफ से क्योंकि हिम्मत बहुत ज़्यादा खुश होता है दिवाली के जब पटाखे आते हैं, तो यहाँ कुछ कुछ ले लिया हमने, इनफ होंगे मेरे ख्याल से। बहुत तो क्लोजअप वेक्साने की और चे 39। ऑलराइट दोस्तों, सो आज है दिवाली का दिन और हम दोनों निकले हैं सफ़र पे। कुछ दोस्तों को मिठाइयाँ देनी थी, कोई आलतू फालतू काम करने हैं, एक दोस्तों को इनवाइट भी किया है, कुछ डिनर में बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए और बाऊ की किताई। वो एक्चुअली अर्लियर हमने पटाखे पिक किए क्योंकि जब दिवाली का नाम आता है तो हिम्मत को पटाखे आते हैं याद, तो हम दोनों ने पटाखे ख़रीदे हैं, काफ़ी सारे पटाखे। मुझे लगता है कि इनफ हो जाएंगे हमारे, बहुत 25 मिनट पास हो जाएंगे, है ना। सो मेरा मन कर रहा था आज आलू पूरी खाने के लिए, और हम कॉस्को के पास, हमारे ओकवेल में कॉस्को के पास एक साउथ इंडियन है जो थाली देते हैं, तो हमने सोचा उतो कुछ खा लेने। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे वो बंद था, सो अब हम मन बना लिया था डोसे का, तो हस्बैंड ने एक क्विक सा प्लेस ढूंढा है, इसका नाम है साउथ एंड स्पाइसी, ये मिसिज़ागा में है। अब देखते हैं कैसा है, देखने में तो काफ़ी क्लीन लग रहा है। सब कोई डोसा ऑर्डर करेंगे, इनकी जो पूरी भाजी वो करेंगे, एक इडली कर सकते हैं, बाकी पति सोचेंगे क्या करना है। बहुत ज़्यादा भूख लग गया दोस्तों, ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं। एक्चुअली हमने कल भी कुछ अच्छा नहीं खाया था, आपने देखा ही होगा यहाँ, कल की खाता है। ओ एक्चुअली कल मैंने की खाता है, बहुत सैंडविच खाता है। गाइस हमने ना कल वो वेब सीरीज पूरी की टब्बर, उसमें सोटी था ना, अजीत सोटी, आपने देखी है, वो अच्छी थी, पर ना एक चोरी को छुपाने के लिए जी उन्होंने अन्य चोरियाँ की ना, वो नहीं अच्छा था। कितना बने? ठीक है, बढ़िया। ओके दोस्तों, छोले एंड पूरी, जो पूरी है होल व्हीट है, एंड छोले में कड़ी पत्ता एंड मस्टर्ड सीड्स है, काफ़ी ज़्यादा अलग खुशबू है एंड फ्लेवर भी अलग है। जितना मैं खाना चाहती थी उतना नहीं है, बट स्वादिष्ट है, आई लाइक इट। एंड हल्का है, बहुत हल्का, पूरी भी बहुत हल्की है। मेरी पूरी काफ़ी हैवी हुई है, काफ़ी हल्की है, बहुत थिन है, बहुत थिन है। अच्छा सूजी भी पाई लग रही है हो सला। ask and let us see. Show us what lies underneath. Peppermint on your tongue. What was that? तो फिर दोनों जाने अंदर क्यों नहीं आने पे? Like किया तो ना चक्कर. Like what do you do? फटाफट करेगा करो, फुर्ती मारेगा। दोस्तों तो हम लोग घर आ चुके हैं, हमने हिम्मत को पिक कर लिया है और हस्बैंड को मैंने एक काम दिया है जो ये है लाइटें लगाना और लड़ियाँ सिद्धियाँ करी जाते। देखो मेरा लोड़ी नु ये काम रहा मेरे गुंजर पैंदे रे नहीं मेनू लगदा जे तोनु ब्याह च बत्तियां लाण वाला मुंडा बनाया है तुम ते गाला ही गुंजरवा और गड़ा आए की करी जाना ब्याह च सिर्फ मैं लाड़ा बन सकदा और कुछ नहीं बन। सो हस्बैंड ने लगाई है एक साइड पे मैंने लगा दी और हिम्मत एक बार नाराज होकर जा चुका है अपस्टेयर्स क्योंकि उसका कहना है कि मैं दिवाली नहीं मनानी। ओदी ते डैडी दी थोड़ी बहस हो गई इन्ना कहना हूं मैं ना क्यों। सो हमने इस एरिया में लाइट्स लगाई हैं एंड उस एरिया में अभी दिख नहीं रही क्योंकि दिन है, थोड़ी देर में दिखेंगी। Just 1 year ago, everything was growing inside. Backed up months ago, it is getting harder each time. I think I hear you now, turning as a calling, reach out. All this going wild, I can't even get through the night. Where did you go? Our love, it felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. इसे अपने घर चीज़ तो पहला खाना करने की बनेगी या तो हिम्मत में पौंडे हो मैं पत्रकार बनने या तो ही बने अभी तू गांव में करने चाहिए। अच्छा ये ले बट गाइस हमारे पास ना समय बहुत कम है तो हमने ये पतीलों में से सामान निकाला नहीं है तो सॉरी अहे मैं इदा कर दी नहीं है कभी ये पहली बार होया है और इदा रीजन गाइस दिस इज चिकन राइसी यू लाइक इट लुक हाउ मच आई एट ओ गाइस आई फॉरगॉट इट्स दिवाली Happy Diwali because there's a clue right here. Maybe you could love me again. Where did you go? My world's so right now I can get you. Okay दोस्तों तो मेरे डिनर खाने का समय हो गया है, सारे दोस्त खा रहे हैं। हमने बहुत ही क्विकली डिनर बनाया, हमारा प्लान नहीं था कि क्या करेंगे, अचानक तो बनाया। आई होप सबनों वधिया लगा होगा, वधिया लगा गाइस। कहना खान दे मेरे टॉर्चर बड़ा कर दे कितने पूछ के। हाँ जेनी में पहला राइस खा थोड़े जो और खा नहीं पहला 5 बाइट्स खा ला ना तू खादा नहीं है चंगी तरह या। ओके आई होप आप मुझे देख पा रहे होंगे। हम लोग एक स्कूल के ग्राउंड में आ गए पटाखे चलाने के लिए क्योंकि घर में पटाखे चलाने के लिए लेट हो गए क्योंकि खाना कुक करने लगे, खाने में वेट होगी, गप्पा करने लग गए। सो अब हम यहाँ पे पटाखे चलाएंगे, अब देखते हैं कि हमारे पटाखे चलते हैं या नहीं। मेरे पास आ गया है एक लाइट मैन या असिस्टेंट। ओके सो हम लोग आ गए पटाखे चलाने के लिए स्कूल के एक पार्क में। पटाखे हमारे पता नहीं ओ यस जलिए गाइस आपको दिखा दें कि पटाखे कैसे चलते हैं। ये है देखिए कितना पोल्यूशन है यार, निजी चीज कितना पोल्यूशन कर रही है। ये जिड्डा है वड्डा है उड्डा तो उते ओए इवान नो बेबी नो इवान ओ यार ये बहुत नीम आएगा ओ जितना जा तू हां जितनी हाइट है उतना मैं थोड़ा तो ऊपर जाए, ये 3 फुट भी नहीं गया। और बाऊ आई वान दूर रखो, इन्होंू अग ना ला दे सारे। हम भरावा साढ़े चलाने तो पहले चल जाए सारे। ओ यूएफओ किधर जान दिया है? यूएफओ है, उड़ जाना है मैंने लगा अपने। बस आई है। अरे हूं की दिया पटा खोलो यार, मकाओ सारे जने की करने तू दस दे ही नहीं। ते सोचन नहीं कि ट्राई होण दी। आ जा चलाइए यार, कुछ करिए आपा भी। पता नहीं केड़ा ही। अरे बड़ा बढ़िया काम होया। अच्छा जेड़े ना अपन यूज करी जाने ना इथे बच्चे पूरा अपन सारे चक्के लेके जाने हैं। नहीं मैं अंदर ही रख रहे हैं ठंडे करके ना। ऑलराइट दोस्तों, तो दिवाली कल हमारी फिनिश होगी। हमारे जो दोस्त आए थे वो काफ़ी समय तक बैठे रहे। एक दोस्त चले गए 12:30, एक दोस्त गए 1:30 बजे। पर एक मेरी प्यारी सी फ्रेंड है जो उसने मेरी सारी हेल्प की क्लीन अप के लिए। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल। वो मेरे व्लॉग में आना नहीं चाहती है, पर अगर वो ये वीडियो देख रही है तो मैं उसको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि नहीं हेल्प कर दिया ना बहू। यार शी हेल्प मी। मैं भी तो हेल्प बहुत करदा, तो मैं तेरे व्लॉग 'च आना भी चाहना, मैनूं लियाउंदी नहीं। और पति हेल्प कुछ नहीं करते, कह रहे कि चलो जी मैं अपनाना सामान निकाल के गायब हो जाते हैं। सो फिर सारा कुछ मुझे करना पड़ता है। साडी मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी होंदी है, होर की चाहिए तुम्हें। ओके सो इसी तरह हमारी दिवाली मन गई। हम पटाखों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारे पटाखे। पर बहुत सारे पटाखे चले नहीं हमारे, है ना बहू। और यार जड़े बहुत बड़े ही बहुत थोड़े थोड़े चले। जिन्ना जितना बड़ा नाम छोटे दाम, ऐसा कुछ हुआ। मेरे तो 2-4 पैक लगे, मैंने तो पता नहीं चला कि चले। हुन तो वीडियो च देखोगे ना पहला कि किन्ने के चले आ। सो यहाँ पर फिर भी हमने एंजॉय किया। पर ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि हम बाहर चले गए स्कूल की ग्राउंड में पटाखे चलाने के लिए, और हाथ जम गए। पति बेचारे देते हाथ बहुत ही ज़्यादा जम गए ही। यही याद है तुहानू? या बहुत ज़्यादा जम गया बेचारियां दे। लाइटर लुइटर सारे टूट गए, माचिस की तीलियां मोक गई। पर यार जो भी है हमने मैनेज कर लिया पटाखे ख़त्म करने का। तो इसी तरह हमारी दिवाली होगी। मैंने बिल्कुल भी अपनी वीडियो नहीं बनाई, और मेरे पास रेडी होने के लिए भी समय नहीं था। मैं सोच रही थी मैं सूट डालूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, पर कुक करने में मेरे 3-4 घंटे चले गए कि मैं रेडी भी नहीं हो पाई। पर यार बहुत मज़ा आया, लाइक गप्पे लड़ाई खाया, सबने इंजॉय किया। अच्छी दिवाली मन गई हमारी। बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई मैं, क्योंकि जब काम में बिजी हो जाते ना व्लॉग नहीं कर पाती हूँ मैं। ओके दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बार में कुछ भी लिखना। कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे मुझे आपके विचार पता चलते हैं। सो कुछ भी लिखें पति के बारे में, मेरे बारे में प्लीज़ लिखें। मैं आपको कल मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय।